वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो निहारी की रेसिपी है वो शेयर करूंगी। थोड़ा वेट करें, ये पटाखों की आवाज़ चल रही है क्योंकि चाइना में जो है न्यू ईयर आ रहा है, इनका जो चाइनीज न्यू ईयर है वो आने वाला है। तो अभी इनके जो फायर वर्क पटाखे वगैरह हर टाइम चलते रहते हैं। तो मुझे कुकिंग के जो भी लोग हैं बहुत ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो अपनी रेसिपी है वो शेयर करूं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करना है, ठीक है? अभी थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। पटाखों की आवाज़ देखिए कितनी तेज आ रही है उनके न्यू ईयर की वजह से। उसके बाद हम ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे, चिकन ऐड करेंगे। हम चिकन को थोड़ा भूनेंगे, इसीलिए उसका जो कच्चा पानी है अदरक लहसुन का वो भी खत्म हो गया और जो चिकन है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देखिए कितना पटाखों की आवाज़ आ रही है, ये सिर्फ इनके लिए आने वाले ही पटाखे, इतना शोर है। ये दिवाली की तरह अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं यहाँ चाइना में। उसके बाद ये मिक्सर मेरी निकला है, ये मेरे ऑनलाइन पाकिस्तान स्टोर है चाइना में, वहीं से मंगवाया है। तो बस यही मिक्सर ऐड करूँगी मेरी का जो मसाला है ये हम थोड़ा उसमें ऐड करेंगे। जो मेरी है नाम के साथ अच्छी लगती है। तो आज है फ्राइडे और हमारे यहाँ चाइना में मस्जिद के वहाँ पे नान मिलते हैं बहुत ही मज़े के। तो मैंने कहा मैं आज न्यारी बना लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। उसके बाद हम ये पानी ऐड करेंगे। मेरा फेवरेट कप है केक वाला, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका जो चिकन वगैरह है अच्छे से गल जाए, थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद हम इसमें आटा शामिल करेंगे। तो पटाखे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं। तो बस अभी जो है मैंने जो चिकन है दूसरे गैस पे रख दिया है, थोड़े से जो प्याज है वो ब्राउन करके साइड में रख दूँगी ताकि एंड में जो गार्निशिंग के काम आएंगे ये थोड़े से प्याज जो है मैं अलग से ब्राउन करके रख दूँगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़े से प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब एंड में प्याज ऐड करते हैं भाजी में। ये व्लॉग है ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगते हैं, बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। व्लॉगिंग करना ज़्यादा आसान है लेकिन कुकिंग में बहुत ही मुश्किल है। तो कुकिंग वाले व्लॉग बनाते हैं ना, बाकी मैं अभी बना रही हूँ, मुझे पता चल जाएगी कितना मुश्किल है।
टेबल ब्राउन हो गई है प्याज, बस अब मैं इसे निकाल दूँगी ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। इसको कम कर देती हूँ। जो है अच्छे से गल जाएगा उसके बाद हम ये ऐड करेंगे। तो अब इतना इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो गुटलियाँ वगैरह जो है बिल्कुल भी इसमें ना रहे। तो जी अभी हम चेक करते हैं चिकन जो है गल गया है या नहीं। अभी आप देखें इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ गया है और चिकन भी काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो अभी हमने जो आटा बना के रखा था ना वो हम इसमें ऐड करेंगे, ऐसा ऐड करेंगे। हमने आटा है इसमें ऐड कर लिया है। अभी हम इसको अभी इस टाइम में जो है इसका जो नमक वगैरह वो सारा टेस्ट करके फिर इसको ढक देकर थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो अभी टेस्ट करते हैं इसका नमक सही है नहीं। तो अभी मैं इस टाइम जो है थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्च ना भी इस टाइम भी मैं थोड़ा ऐड करके इसको ढक के रख दे दूँगा। तो अभी मैं इसको ढक करके थोड़ी देर और पकाऊँगी ताकि जो है इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और चिकन और अच्छे से और आटा जो है वो भी पक जाए। तो जी ये रहे चाइनीज़ नान जो यहाँ पे हलाल मार्केट वगैरह है उसमें मिलते हैं। तो इसके साथ हम न्यारी को एंजॉय करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा है मसालेदार। इसके साथ बारबेक्यू भी मिलते हैं और इनकी डपलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ हलाल रेस्टोरेंट में मिल जाती हैं। तो जब भी न्यारी या छोले वगैरह बनते हैं तो मैं स्पेशली ये मंगवाती हूँ, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और निहारी मसाला ऐड करके इसको ढक करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए ताकि चिकन और अच्छे से गल जाए, जो इसका आटा वगैरह है वो अच्छे से पक जाए। अब इंसान नहीं हो रहा जल्दी से बन जाए। तो जी अभी तो ऑलमोस्ट जो है ये बन गई है। तो इसको चेक करते हैं और जो प्याज और ब्राउन करके रखे थे वो अब इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी से गाढ़ी हो गई है। तो जी ये अच्छे से बन गई है। जो मैंने प्याज फ्राई करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए। उस टाइम मेरी जो वीडियो है वो मैं चलाना ही भूल गई थी, तो बस मैंने प्याज ऐड कर दिए। उसके बाद अब ये जो मिर्ची है काट के रखी है वो ऐड करूँगी। थोड़ी सी ये अदरक। तो जी ये देखें कितने मज़े की बन गई है। तो अभी मैं जो है थोड़ी सी इस बाउल में डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। ये देखिए Nice. तो जी ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये देखिए मेरी बच्चा ना ये साथ ही मेरे साथ ही बैठी है लेकिन ये वीडियो में कुछ बोल नहीं रही है। बाय बाय।